वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रॉबर्ट ओब्रायन। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। इसके पहले थे USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, बट उनका अभी रिजाइनेशन हो गया। उसके बाद अभी जो न्यू बने हैं USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका नाम है रॉबर्ट ओब्रायन। ठीक, सेकेंड चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में USA और इंडिया के बीच एक सैन्य युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ। तो ये जो सैन्य युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये जो सैन्य युद्ध अभ्यास है, ये आयोजित किया जाएगा वाशिंगटन में स्टार्ट किया जाएगा। सेकेंड चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया और USA के बीच जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विशाल सैन्य युद्ध अभ्यास। ये आप ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन सबसे निकल के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीकली के करंट अफेयर्स हैं, उसमें USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन और USA के और इंडिया के बीच एक सैन्य युद्ध अभ्यास हुआ, जिसका नाम है विशाल सैन्य युद्ध अभ्यास। सेकेंड चीज़ क्या है? अभी अपने इंडिया में क्या हुआ? एक बिल पारित हुआ। वो बिल क्या है? UAPA। इस बिल के अंतर्गत, उस बिल का नाम क्या है? UAPA। इस बिल के अंतर्गत किसी भी संगठन को हम आतंकी घोषित कर सकते हैं। इसके पहले अपने इंडिया में ये बिल कभी पारित नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसे जो पार्लियामेंट में लेके आए थे वो होम मिनिस्टर अमित शाह लेके आए थे। तो सेकेंड चीज़, UAPA के बारे में पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस बिल के तहत हम किसी भी संगठन को आतंकवाद घोषित कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, UAPA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में वनडे टीम की कप्तान मिताली राज, जिन्होंने हाल ही में जो किस में से संन्यास ले लिया, तो वो है टी ट्वेंटी से संन्यास लिया। और किसने लिया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन का नाम है मिताली राज। ये आप ध्यान रखिएगा, मिताली राज ने अभी हाल ही में टी20 से क्या लिया? संन्यास लिया। क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे होगा, टी20 से या वनडे से या टेस्ट मैच से। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, टी20 से इन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अगर हम, कि अभी क्या हुआ, हाल ही में एक डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति मिली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति किस कंट्री में पाई गई? तो वो कौन सी कंट्री है? जापान में डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति पाई गई है। ये आप ध्यान रखिएगा। और अलग से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? शिंजो अबे। और जो जापान की कैपिटल है, जापान की तो कैपिटल आपको पता है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। ये भी आपको पता है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। ठीक, अभी हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक
जैक मा जो कि रिटायर हुए, एक्चुअली क्या हुआ, अलीबाबा चीन की इंटरनेट और स्मार्टफोन की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक, तो अलीबाबा किस, ये एक कंपनी है, किस कंट्री की कंपनी है, किस कंट्री की है, तो ये चाइना की है, आप ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, चाइना की है। अभी इसके जो संस्थापक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम है जैक मा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सीधा से पूछेगा, जैक मा अभी हाल ही में अपना क्या किया, इस्तीफा दिए, तो ये क्या थे, फाउंडर थे किसके, अलीबाबा एक कंपनी है जो कि चाइना की है। अब यहीं से आप ध्यान रखिएगा, अलीबाबा के डायरेक्टर का नाम डेनियल सन। अलीबाबा के डायरेक्टर का नाम क्या है, डेनियल सन, क्योंकि अभी अभी हाल में फिर पूछेगा किसके डायरेक्टर भी तो होंगे, उनके डायरेक्टर का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, UNHRC काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल के चेयरमैन का नाम, ये आप ध्यान रखिएगा, मिशेल बैचेट क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के ये क्या है, प्रमुख है। बैचलेट ये आपको होना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डे यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस डेट को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं, अभी हाल ही में सड़क संशोधन अधिनियम, एक्चुअली क्या हुआ, हमारे इंडिया में सड़क संशोधन अधिनियम जो कि पारित हुआ 1 सितंबर 2019 को, ये सड़क मोटर संशोधन अधिनियम फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेगा किस डेट को पारित हुआ या लागू हुआ, वो 1 सितंबर 2019 को पारित हुआ। अब फिर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि सड़क एवं परिवहन मंत्री भी तो होंगे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिनका नाम है, रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिनका नाम है नितिन गडकरी जो हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मतलब सड़क एवं परिवहन मंत्री ये तो नितिन गडकरी हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे राज्य मंत्री की बात हो रही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कौन है, वीके सिंह, ये ध्यान रखिएगा, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जो कि हैं वीके सिंह। ठीक,
अब फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वायुसेना के जो प्रमुख होंगे तो उनका नाम, अगले जो भारत वायुसेना के जो अध्यक्ष होंगे उनका नाम क्या है, उनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया ये अगले वायुसेना के प्रमुख होंगे, ये वायुसेना के प्रमुख होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला कि वायुसेना के प्रमुख अगले कौन नियुक्त होंगे, तो ये होंगे राकेश कुमार भदौरिया। और राकेश कुमार भदौरिया जो है आप ध्यान रखिएगा इनका होम टाउन कहाँ है, अगर इनके होम टाउन पे अगर हम जाते हैं तो ये इनका होम टाउन आएगा आगरा। अच्छा, अगर इसके हिस्ट्री पे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। ध्यान से सुनिएगा कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की, और आगरा की स्थापना किस साल की गई, तो ये ध्यान रखना आगरा की स्थापना 1504 में की गई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एसएससी एमटीएस में कि जो आगरा जो है किस रिवर के तट पे बसा हुआ है, तो ये जो बसा हुआ है आगरा यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है कि गंदा नाला किसे बोलते हैं, ये किस नदी को बोलते हैं, यमुना नदी को भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विश्व साक्षरता दिवस ये किस डेट को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा बाय यूनेस्को, UNESCO, ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा मनाया जाता है, यूएनओ के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा या यूनेस्को द्वारा या नन ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डे मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। सेकेंड चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो यूनेस्को है, ये यूनेस्को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के एक देश है जिसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम है रॉबर्ट मुगवे जिनके हाल ही में देहांत हो गया, ये ध्यान रखना जिम्बाब्वे के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया, तो ये जिम्बाब्वे के क्या हैं, प्रेसिडेंट है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं आर्य संघ, एक्चुअली क्या हुआ, अभी हाल ही में संघ की एक बैठक हुई, तो जो संघ की बैठक समन्वय हुई है, अभी इसका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो ये पुष्कर में, ये आप ध्यान रखिएगा। इनकी बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है, वो हाल ही में बैठक हुई है पुष्कर में। अब पुष्कर एक जिला है जो कि पड़ता है राजस्थान में। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि अभी यहाँ पे संघ की बैठक हुई यानी आरएसएस की बैठक हुई, जब संघ की बैठक हुई तो हाल ही में कहाँ पे हुई,
पुष्कर में हुई। सेकेंड चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि संघ के जो पहली बैठक कहाँ पे हुई है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक की पहली बैठक नागपुर में हुई थी और किस ईयर हुई थी ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन स्पेशली रेलवे एनटीपीसी और यूपीएसआई के लिए है, इसको मिस मत करिएगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की बैठक नागपुर में पहली बैठक कहाँ पे हुई, नागपुर में, और किस ईयर हुई 1925। फिर अब उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आरएसएस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आरएसएस के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहन भागवत। आरएसएस के अध्यक्ष का नाम क्या है, मोहन भागवत है, ठीक। अभी एक संगीतकार हैं जिनका नाम है लता मंगेशकर, उनके जन्मदिन पर उनको एक अवार्ड दिया जाएगा, उस अवार्ड यानी उस पुरस्कार का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा लता मंगेशकर को एक अवार्ड दिया जाएगा उनके बर्थडे पे, डॉटर ऑफ द नेशन, ये आप ध्यान रखिएगा। लता मंगेशकर को अभी हाल ही में डॉटर ऑफ द नेशन एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, सेकेंड चीज हो गया। अभी हाल ही में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने सचिवालय में जींस और टी शर्ट पहनने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। तो कौन सा एक स्टेट है कि जो कि हाल ही में अपने सचिवालय में जाने के लिए जींस और टी शर्ट पे बैन लगा दिया, तो वो कौन सा स्टेट है, वो है आपका बिहार, ये ध्यान रखिएगा बिहार पे अभी बैन लगा दिया गया। सेकेंड चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा बिहार के सीएम का नाम, तो बिहार के जो सीएम है ये भी आपको पता है नीतीश कुमार, बिहार के सीएम का नाम नीतीश कुमार, और बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनका नाम सुशील मोदी। यहाँ तक बात कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने तीन देशों की यात्रा पे गए, जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो तीन देशों की यात्रा पे गए, तो जो फर्स्ट स्टेट है वो फर्स्ट कंट्री है आइसलैंड, सेकंड है स्विट्जरलैंड, और थर्ड आपका आता है स्लोवेनिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आइसलैंड, तीन देशों जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं तीन देशों की यात्रा पे गए हुए हैं, तो तीन देशों की जो यात्रा पे गए हुए हैं इनकी कैपिटल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न, ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। अब यहीं पे कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जिनेवा फिर क्या है, एक्चुअली जिनेवा एक सिटी है जो कि कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।